भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्तमान राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा झूठे प्रलोभन के माध्यम से सत्ता हथियाने शासन करने में पूर्णतया असफल कार्यकाल, प्रशासन, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, युवाओं को रोजगार, महिला सुरक्षा, किसान सम्मान, दलित आदिवासियों का स्वाभिमान और हिंदुओं की आस्था का सम्मान करने में विफलता की बात कहते हुए भाजपा अभियान चला रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा प्रदेश भाजपा के आह्वान पर बाड़मेर में निरंतर सभी वार्ड में मातृशक्ति तक पहुंचकर जागृत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा झूठे प्रलोभन के माध्यम से सत्ता हथियाने शासन करने में पूर्णतः असफल कार्यकाल, प्रशासन, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, युवाओं को रोजगार, महिला सुरक्षा, किसान सम्मान, दलित आदिवासियों का स्वाभिमान व हिंदुओं की आस्था का सम्मान करने में विफलता का आरोप लगाते हुए अभियान चलाया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा प्रदेश भाजपा के आह्वान पर बाड़मेर में निरंतर सभी वार्डों में मातृशक्ति पहुंचकर जागृत किया जा रहा है। भाजपा महिला मोर्चा की मातृशक्ति ने लोगों को बताया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार का एक ही विकल्प है और वह है भारतीय जनता पार्टी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर राधा रामावत ने बताया कि शहर के बाद ग्रामीण क्षेत्र के रामसर मंडल, गडरा व मंडल तक हमारा प्रवास रहेगा। भाजपा जिला मंत्री अनिता चौहान ने बताया कि हम प्रत्येक मातृशक्ति के हाथ में भाजपा का चिन्ह कमल बनवाकर विश्व की सर्वश्रेष्ठ ईमानदार और राष्ट्रभक्त पार्टी भाजपा को विजयी बनाने का संकल्प ले रही है। साथ ही कांग्रेस सरकार का फेल वोट कार्ड हर घर तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य रहेगा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष गंगा चौधरी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष गीता कंवर, दरिया कंवर, पुष्पा खत्री, विजय लक्ष्मी, निधि रामावत, मधु परियार, अनीता रामावत, राकू देवी, हेमलता, मीना, शोभा, अनन्या के साथ कई मातृशक्ति उपस्थित रही।